द बेबी इन येलो एक पहला व्यक्ति हॉरर गेम है जहां आप एक बहुत ही अजीब बच्चे के साथ खुद को एक घर में पाते हैं। आपको बेबी सिटिंग जॉब तब तक सामान्य लगता है जब तक आपको यह एहसास नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है और आप जिस बच्चे का बच्चा देख रहे हैं वह पहले की तुलना में अधिक पापी है। विंडोज पर इस गेम की सफलता के बाद द बेबी इन येलो अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर खेलने के लिए उपलब्ध है, जिससे आप खुद को मूर्खतापूर्ण तरीके से डराने का एक और मौका दे सकते हैं। द बेबी इन येलो गेम के प्रत्येक कमरे में अत्यधिक विस्तृत 3D ग्राफिक्स के साथ प्रदर्शित करता है। ध्वनि प्रभाव डरावना माहौल में भी जोड़ता है और कहानी केवल प्रत्येक स्तर के साथ दुर्लभ हो जाती है। इस गेम में आगे बढ़ने के लिए आपको स्क्रीन के बाईं ओर दिए गए कार्यों को पूरा करना होगा। दाईं ओर नियंत्रणों के साथ कैमरे को समायोजित करते समय परिदृश्य के चारों ओर जाने के लिए वर्चुअल जॉयस्टिक पर टैप करें। आप वस्तुओं पर भी टैप कर सकते हैं, जो ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें से कुछ मिशन पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। जैसे जैसे आप चुनौतियों का समाधान करेंगे, आप बच्चे के बारे में और जानेंगे कि वह इतनी अजीब तरह से क्यों काम करता है। लेकिन अपने गार्ड को निराश न करें क्योंकि हैकर कभी भी आप पर हमला कर सकता है। यदि आप रात भर जीवित रहना चाहते हैं तो इस बच्चे के अजीब व्यवहार के पीछे के रहस्य को सुझाने के लिए सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। यदि आप बच्चे के लिए एक खेल का स्क्रिप्ट चाहते हैं तो यहाँ एक उदाहरण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नमस्ते दोस्तों, आज हम सबका स्वागत है इस प्यारे बच्चे की यह खास महीने। आज का खेल है बेबी येलो टाइम। इस खेल में हमें दिए गए समय में निम्नलिखित कार्यों को पूरा करना होगा। 1. बच्चे के लिए सुंदर गीत गाएं। 2. बच्चे के लिए खूबसूरत कविता सुनाएं। 3. बच्चे के लिए प्ले डो का दिखावा करें। 4. बच्चे के लिए खेलने की संज्ञा दिखाएं। 5. बच्चे के लिए गाड़ियां, बालों के टाइट्स या खिलौने बनाएं। 6. बच्चे के लिए खास डांस नंबर करें। समय पूरा होने के बाद हम देखेंगे किसके पास सबसे ज्यादा बेबी येलो टाइम था। तो चलिए शुरू करें ये खेल और इस प्यारे बच्चे का आयोजन करें। धन्यवाद। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये खेल आपके बच्चे के जन्मदिन या शाव के आयोजन के लिए मनोरंजनीय हो सकता है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। बेबी मॉन्स्टर्स को लेकर हिंदी में एक स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए यहाँ एक उदाहरण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीन: एक खास दुनिया में जहाँ बेबी मॉन्स्टर्स हर जगह हैं। एक बेबी मॉन्स्टर खेलते हुए आता है। बेबी मॉन्स्टर खुशी से नाचते हुए, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ बेबी मॉन्स्टर और आज हम खेलेंगे एक खास गेम। दूसरे बेबी मॉन्स्टर्स भी आते हैं। पहला मॉन्स्टर: हाँ, हम सभी तैयार हैं खेलने के लिए। दूसरा मॉन्स्टर: तो बताओ खेल क्या है? बेबी मॉन्स्टर: खेल है हिडन गेम्स, हमें छुपे हुए चीजों को खोजना है। सभी मॉन्स्टर्स खेल खेलते हैं, छुपी हुई चीजें ढूंढते हैं। पहला मॉन्स्टर: खुश होकर, मैंने एक छिपी हुई टेडी बेयर मिला। दूसरा मॉन्स्टर: खुशी से, और मैंने एक खोया हुआ चमचमाता तारा ढूंढ लिया। तीसरा मॉन्स्टर: उत्साहित होकर, मुझे एक रंगीन बॉल मिला। बेबी मॉन्स्टर: वाह, सबने बढ़िया खेला, ये खेल बहुत ही मजेदार था। सभी मॉन्स्टर्स एक साथ हंसते हैं और खुशी से नाचते हैं। बेबी मॉन्स्टर: मुख में मिठास के साथ, ये है बेबी मॉन्स्टर्स की खुशियों भरी दुनिया। हम खेलेंगे, हंसेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर मस्ती करेंगे। सभी मॉन्स्टर्स है खुशी से नाचते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये स्क्रिप्ट बेबी मॉन्स्टर्स के संगीत, नृत्य और खुशी का माहौल बनाने के लिए हो सकता है। आप इसे अपने आयोजन के आधार पर संशोधित कर सकते हैं। बेबी येलो का हिंदी में अर्थ हो सकता है बेबी पीला या नवजात पीला। इसका अर्थ हो सकता है कि यह बच्चे के लिए पसंदीदा रंग हो, जैसे कि बच्चों को अक्सर पसंद होता है। आप अपने प्रस्तुतिकरण के लिए इसे अवधारित कर सकते हैं, जैसे कि एक बेबी शावर के मौके पर या बच्चे के खिलौनों के आयोजन के दौरान।
recognize.
हाँ।